नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं समय न्यूज। हम आपको दिखाएंगे राजनीति, मनोरंजन, खेल, क्राइम और आम लोगों से जुड़ी सारी अहम खबरें। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश से डकैती के इरादे से छत्तीसगढ़ के सरायपाली एरिया में पहुंचे 7 डकैतों को जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस व डकैती में इस्तेमाल आने वाले औजार सहित एक स्कॉर्पियो, एक ट्रक और 60 रुपए नगद के साथ साथ 1500 लीटर डीजल बरामद किया है। जिला पुलिस डकैतों के अन्य साथियों की तलाश में लगी है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको सरायपाली के पास भी रोकने का प्रयास किया गया, नहीं रुके। तुरंत इसमें क्योंकि नंबर दिख रहा था एमपी का, ऐसा लगा कि शायद लोग रायगढ़ के डायरेक्शन से भागेंगे और उसमें सारंगढ़ को ही बताया गया था और सारंगढ़ की टीम भी वहां पे मौके पर आ गई थी। इस बीच में सरायपाली और संगोड़ा की संयुक्त टीम आगे जाके उस गाड़ी को रोकने में कामयाब हुई। इस बीच उन लोगों ने पुलिस गाड़ी को डैश करने की भी कोशिश की, लेकिन इसको बड़ी सतर्कता से उस गाड़ी को रोकने में पुलिस कामयाब हुई। इस बीच उसमें जो लोग बैठे थे उसमें से 4 लोग भागने में सफल हुए, 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया था और उसे प्रारंभिक पूछताछ की गई। पूछताछ में बताया कि लोग मूलतः मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं और यहाँ पे विगत 8-10 रोजों से यहाँ पे आके रेकी कर रहे थे और इनके पास से काफी मात्रा में आला जरब मिला है, जिसमें कि एक मौजद भी मिला है, एक देसी कट्टा मिला है और कुछ चाकू और जो डकैती के उपयोग में आने वाले कई सामान मिले हैं। और निश्चित इन लोगों की डकैती की बहुत बड़ी योजना थी जिसको कि महासमुंद पुलिस ने सक्रियता से इसको होने से रोका है और इनके पास से नगद रुपया भी बरामद हुआ है, साथ ही एक स्कॉर्पियो वैन बरामद हुआ है और एक ट्रक, और इन लोगों ने डीजल चोरी करने की भी बात भी स्वीकार की है क्योंकि इनके 5 साथियों को संबलपुर से रात में गिरफ्तार किया गया है। महासमुंद जिला दूसरे राज्यों की सीमा से लगा है, जिसकी वजह से पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो जिसमें कुछ लोग सवार होकर सिंघोड़ा थाने की ओर जा रहे हैं, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने सिंघोड़ा थाना पुलिस और सरायपाली थाना पुलिस को अलर्ट कर जांच के आदेश दिए, जिसके बाद नाकाबंदी कर जांच के दौरान एक सफेद रंग की तेज स्कॉर्पियो नाके की ओर गई, जिसके बाद नाकाबंदी कर जांच के दौरान एक सफेद रंग की तेज स्कॉर्पियो नाके की ओर आई, जिसकी रफ्तार नाके के पास आकर बढ़ गई और बैरिकेटिंग तोड़कर सरायपाली की ओर जाने लगी। सिंघोड़ा पुलिस ने तत्काल सरायपाली पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद सरायपाली पुलिस ने नवागढ़ के पास नाकेबंदी कर दी थी। पहले से बैरियर पर पुलिस तैनात देख आरोपियों ने वाहन को सारंगढ़ रोड की ओर मोड़ दिया और भागने लगी, जिसके बाद पुलिस ने वाहन का पीछा किया और वाहन को ओवरटेक कर सारंगढ़ रोड पर रोक लिया। आरोपियों की वाहन जैसे ही रुकी उसमें सवार एक युवक उतर कर जंगल की ओर भागा, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। वाहन में मौजूद 2 लोगों को सरायपाली पुलिस ने पूछताछ की और गिरोह के अन्य 5 साथियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। आरोपियों ने पूछताछ में क्षेत्र के पेट्रोल पंप से लूटपाट करने की योजना बनाना कबूल कर लिया है। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल समय न्यूज के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।